और अब इसके साथ ही नाज़रीन आपको बताएं कि कराची में राशिद मिन्हास रोड पर कायम शॉपिंग सेंटर में आग लग गई कि जिसके नतीजे में अब तक 11 अफराद की हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। आपको बताएं कि जना हस्पताल के हाकाम के मुताबिक 9 मईतों को जना हस्पताल जबकि एक सिविल और एक को आबासी शहीद हस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। और डिप्टी डायरेक्टर शोभा हादसा जना हस्पताल के मुताबिक जाँ बहक और ज़ख्मी होने वाले तमाम मर्द ही हैं कि जिनकी उम्रें 22 से 43 साल तक है। फायर ब्रिगेड हकाम के मुताबिक सुबह 6 बजे लगने वाली आग इमारत की 6ठी मंजिल से 4थी मंजिल तक फैली के जिस वजह से दर्जनों दुकानें जल गई हैं जबकि कसीर मंजिला माल और अतराफ की इमारतों की बिजली भी मुतल कर दी गई है। और रेस्क्यू हकाम के मुताबिक इमारत से 42 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। तहम दम घुटने के नतीजे में 11 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं जबकि दीगर 8 अफराद को बेहोशी की हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया है। इमारत के अंदर मजीद लोगों के होने की इतलात भी हैं। फायर ब्रिगेड हकाम के मुताबिक 12 गाड़ियाँ 2 स्नार्कल और तकरीबन 50 फायर फाइटर की मदद से आग बुझाने में मसरूफ थे जबकि अब आग पर काबू पा लिया गया है लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन तहाल जारी है।